तो हेलो भाई लोग, सब बढ़िया भाई। उम्मीद करूंगा सब लोग बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। तो भाई अभी हम हैं हर की पैड़ी की साइड और यह है हरिद्वार का मेन मार्केट जो मनसा देवी मंदिर के नीचे लगता है जो मार्केट। तो भाई यहाँ काफ़ी भीड़ लगी हुई है और मेरे साथ मैं भाई यहाँ आयुष। तो हम आए थे आयुष की टिकट लेने के लिए बस की और इसे जाना है कल। तो हमने सोचा कि जब टिकट लेने जा ही रहे हैं तो घूम भी आते हैं, थोड़ा टाइम है, उसके बाद टाइम मिले या ना मिले। और मेरे पे व्लॉग भी नहीं थे तो मैंने सोचा व्लॉग भी बना दूं। तो भाई आवाज़ का मुझे नहीं है पता कि आवाज़ कैसी आ रही है, मैंने ईयरफोन लगाए हुए हैं और देखो भाई कैसी आती है आवाज़। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। बाकी हम अभी हर की पैड़ी की तरफ जा रहे हैं और देखते हैं कि क्या क्या देखने को मिलता है उधर, और जो भी हो मैं आपको बताऊंगा, आपसे शेयर करूंगा। तो चलो भाई चलते हैं। हर की पैड़ी में और मैं आपको गंगा जी के दर्शन कराता हूँ। बाकी भाई आप भीड़ देख सकते हो कितनी भयंकर भीड़ हो रखी है। तो इधर है भाई माँ गंगा बहती हुई और काफ़ी लोग अभी स्नान भी कर रहे हैं इतनी ठंड में, पर हम किसी दूसरे दिन करेंगे जब अच्छी खासी धूप होगी। जहाँ पे अभी हम हैं नीचे तो वहाँ पे एक ये टावर सा है कुछ, तो इसका नाम है राजा बिरला टावर, जो इसका नाम लिखा हुआ है इसमें। बाकी भाई इधर एक धार बह रही है गंगा की, मतलब गंगा बह रही है तो इधर कम पानी है, उसे मैंने धार बोल दिया। और बाकी भाई इधर है तो इधर बहुत ज़्यादा पानी है, पर नहाने के लिए इधर भी हो रखा है। तो इधर ग्रिल वगैरह लगी हुई हैं, जो पाइप वगैरह वो लगे हुए हैं सेफ्टी के लिए, और काफ़ी सारे लोग इधर फ़ोटो वगैरह भी खिंचवा रहे हैं। बाकी नहाने का तो है ही, और ज़्यादातर इधर है तो इधर बच्चे और औरतें ज़्यादा हैं, और इधर जो घूमने के लिए आ रखे, मस्ती करने के लिए आ रखे, तो हैं इधर ज़्यादा पानी में। बाकी यह है भाई यहाँ का नज़ारा शाम का, और अभी टाइम हो रहा है लगभग 5:30 या 5:00 के आसपास हो रहा। तो बस यही है भाई यहाँ का नज़ारा। और जो इधर भाई पुल टाइप से बने हुए हैं, यह है उधर के लिए रास्ते शायद, हाँ रास्ते ही हैं शायद, पुल टाइप से बने हैं और लोग इन पे जा रहे हैं उधर के लिए। तो और अभी कुछ देर में पूजा होगी तो यहाँ पे पत्तल टाइप से हैं कुछ, तो उनमें फूल वगैरह रखे हुए हैं, अगरबत्ती रखी हुई है, और डब्बे हैं कुछ जो लोग गंगा का पानी ले जाएंगे अपने अपने घर, तो उस चीज़ के लिए। तो बाकी भाई सफाई बहुत तगड़ी है यहाँ, काफ़ी सफाई है, और गंगा जी का पानी भी बहुत साफ़ है, बहुत साफ़। तो अभी मैंने भी दो डब्बे ला रखे हैं घर से, एक बोतल है 1 लीटर की और एक क्या 2 लीटर का डब्बा है, तो वो भरना है मुझे क्योंकि मैंने भी ले जाना है गंगा का पानी घर। तो मैं सोच रहा था कब से कि भाई यहाँ आऊँ हर की पैड़ी में और मनसा देवी जाऊँ, तो मनसा देवी का तो हो नहीं सका, पर
यहाँ आ गए आयुष भाई की वजह से, उसके टिकट की वजह से, क्योंकि हमें टिकट लेना था। तो हमने सोचा कि भाई हर की पैड़ी भी घुमाते हैं। बाकी भाई यह है यहाँ के नज़ारे शाम के टाइम के। हमें काफ़ी टाइम इधर हर की पैड़ी में, और अभी शायद आरती का टाइम हो गया, आरती होने वाली है। और भाई इधर बैठ रखे सारे आरती देखने के लिए, क्योंकि आरती होगी इधर से। तो इधर अभी पूजा चल रही है, पंडित लोग बैठ रखे, पंडित जी लोग। बाकी अभी देखते हैं जैसी आरती होगी तो आप लोग को भी बताते हैं, दर्शन कराते हैं आरती की। हर की पौड़ी ब्रह्म कुंड पर आज गंगा मैया की साक्षी में संकल्प लेते हैं कि पतित पावनी माँ गंगा की जल की पवित्रता एवं निर्मलता बनाए रखने हेतु गंगा जल को प्रदूषित नहीं करेंगे। मलगंगे आ गए हैं हर की पैड़ी से, और आरती वगैरह सब हमने देख ली है। और उम्मीद है कि आपको भी वीडियो पसंद आई होगी, आरती देखी आपने भी। तो थोड़ा इधर उधर हो रहा था कैमरा, क्योंकि भाई बहुत सारी भीड़ थी और कैमरे के आगे बहुत सारे लोग आ रहे थे बार बार, और मैं किसी को बोल भी नहीं सकता क्योंकि भाई सबका हक है आरती देखने का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। और भाई अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लियो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई, ताकि तुम्हारे भाई के जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़े और ज़्यादा व्यूज़ आए तुम्हारे भाई की वीडियो पे। तो चलो भाई मिलते हैं दूसरे दिन दूसरी वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, घर वाले।